नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शैलेंद्र। त्रेता युग में मर्यादा, दर्शन और जीवन संदेश की नगरी रही अयोध्या कलयुग में आकर युद्ध का मैदान बन गई। वक्त के खांचों पर ऐसे मोड़ आते रहे जिसने अयोध्या से उसकी पुरातन पहचान को छीन लिया। बचा तो केवल मंदिर मस्जिद का झगड़ा, सियासत की महत्वाकांक्षाएं और आस्था के अधूरे भाव। यूं तो अयोध्या फिर से राम मंदिर आंदोलन को लेकर चर्चा में है, लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता के तर्ज पर इस नगरी की कई कहानियां अब भी फिजाओं में फिर से जिंदा होती नजर आ रही हैं। तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की गूंज एक बार फिर अपने चरम पर। सदियों पहले शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे। माहौल आज भी वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। और सवाल ये है कि आखिर अयोध्या वासियों को क्या मिला, राम मंदिर की तमाम उम्मीदों को क्या मिला और अयोध्या में वक्त के खांचों के साथ कितना बदलाव आया। अयोध्या विवाद को सदियां बीत रही हैं, मसला आज भी जस का तस है। विवाद इस बात पर है कि करोड़ों हिंदुओं की मान्यता के मुताबिक अयोध्या की विवादित जमीन भगवान राम की जन्मभूमि है, जबकि मुसलमानों का कहना है कि जमीन बाबरी मस्जिद की है। सदियों पहले शुरू हुआ मंदिर मस्जिद विवाद आज भी खत्म नहीं हुआ है। हालात आज भी वैसे ही हैं जैसे सदियों पहले थे। माहौल आज भी वैसा ही है जैसा सदियों पहले था। अगर कुछ बदला है तो वो है सिर्फ इंसानों के चेहरे। मौजूदा वक्त में राम जन्मभूमि का विवाद देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर राष्ट्रपति की चौखट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामले को 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन फैसले से पहले करोड़ों हिंदुओं की आस्था एक बार फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए हिलोरे मार रही है। रामनगरी इन दिनों मंदिर मुद्दे की सरगर्मी में डूबी है। एक और मंदिर निर्माण के लिए कानून बनाने की मांग के साथ 24 नवंबर को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे संत आशीर्वाद समारोह में अयोध्या पहुंच रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर 25 नवंबर को विश्व हिंदू परिषद की प्रस्तावित धर्म सभा की धमक भी गूंजने लगी है। मंदिर के अन्य दावेदारों सहित अयोध्या विवाद से जुड़े पक्षकार भी ताल ठोक रहे हैं। मोक्षदायिनी नगरी की 14 कोसी परिक्रमा भी अपने चरम पर है। इस बार मंदिर मुद्दे की दावेदारी फलक पर है। वीएचपी की प्रस्तावित धर्मसभा की निगरानी के लिए सांसद विधायक महापौर समेत वीएचपी बीजेपी के कार्यकर्ताओं का तांता लग रहा है, जो ये बताने के लिए काफी है कि माहौल एक बार फिर गर्म। रामनगरी का मौजूदा माहौल 1989 के राम जन्मभूमि मुक्ति यज्ञ, 1990 और 92 की कार सेवा जैसा है। लाखों की भीड़ जुटने का दम भरा जा रहा है। कार सेवक पुरम में बीएचपी और संघ के शीर्ष पदाधिकारियों का जमघट लग रहा है। सांसदों विधायकों से लेकर छोटे नेताओं तक के सियासी बयान आ रहे हैं। एक बार फिर माहौल कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे जैसा बन चुका है।
बीजेपी 1989 से ही राम मंदिर निर्माण का मुद्दा जोर शोर से उठाती रही है और ऐसा पहली बार है कि राज्य और केंद्र सरकार में पूर्ण बहुमत होने के बाद भी बीजेपी ने राम मंदिर बनाने को लेकर कोई साफ स्टैंड नहीं लिया है। सर्वोच्च अदालत में मामला 2019 तक टल चुका है, ऐसे में राम भक्तों के सब्र का पैमाना भी अब छलकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो अयोध्या में सब्र का इम्तिहान जारी है, लेकिन इस इम्तिहान को देने से बचने के लिए सियासत अपना स्कोप देख रही है और एक बार फिर अयोध्या का माहौल गर्माने की पूरी कवायद हो चुकी है। अयोध्या में एक बार फिर बीएसपी और शिवसेना का जमावड़ा लग रहा है, राम भक्तों के सब्र का पैमाना छलक रहा है, भावनाएं हिलोरे मार रही है, लेकिन ये सब कोई नई बात भी नहीं। 1853 से शुरू हुआ विवाद आज भी वैसा का वैसा ही है। बाबर के बासराय रहे मीर बाकी के द्वारा बोया गया नफरत का वो बीज आज भी नई नस्लों में जहर फैला रहा है। बाबरी मस्जिद विध्वंस के लगभग 26 साल बीत चुके हैं, लेकिन बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का ये विवाद 490 साल पुराना है। मुस्लिम सम्राट बाबर ने फतेहपुर सीकरी के राजा राणा संग्राम सिंह को साल 1527 में हराने के बाद अपने जनरल मीर बांकी को क्षेत्र का वायसराय नियुक्त किया। और मीर बांकी ने अयोध्या में साल 1528 में बाबरी मस्जिद तामील करवा दी, जिसके साथ ही अयोध्या में विवाद की शुरुआत हो गई। सनातन धर्मावलंबियों की पौराणिक जानकारियों के मुताबिक जिस जगह पर बाबरी मस्जिद तामील कराई गई, भगवान राम का जन्म उसी जगह पर हुआ था, जिसको लेकर पहली बार 1853 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक दंगा हुआ। दंगे में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हुए और कई लोग मारे गए। तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने किसी तरह दंगों को शांत कराया। विवाद का हल निकालने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार ने तारों की एक बाड़ खड़ी करके विवादित भूमि के अलग अलग परिसर में मुस्लिमों और हिंदुओं को अलग अलग प्रार्थनाओं की इजाजत दे दी, लेकिन विवाद शांत नहीं हुआ। साल 1885 में मामला पहली बार अदालत में पहुंचा। महंत रघुवर दास ने फैजाबाद अदालत में बाबरी मस्जिद से लगे चबूतरे पर एक राम मंदिर के निर्माण की इजाजत के लिए अपील दायर की, लेकिन जज पंडित हरिकृष्ण ने यह कहकर इसे खारिज कर दिया कि यह चबूतरा पहले से मौजूद मस्जिद के इतना करीब है कि इस पर मंदिर बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 को, जब भगवान राम की मूर्तियां मस्जिद में पाई गईं। हिंदुओं का कहना था कि भगवान राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात में चुपचाप मूर्तियां वहां रख दीं। इसके बाद उस जगह पर हिंदू नियमित रूप से पूजा करने लगे और मुसलमानों ने नमाज पढ़ना बंद कर दिया। उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री जीबी पंत से इस मामले में फौरन कार्रवाई करने को कहा। यूपी सरकार ने मूर्तियां हटाने का आदेश दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों और हिंदुओं की भावनाओं के भड़कने के डर से आदेश को पूरा करने में असमर्थता जता दी। हालांकि ये कहा जाता है कि मंदिर में मूर्तियां रखवाने में उनकी पत्नी शकुंतला नायर का भी रोल था। बहरहाल सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर ताला लगवा दिया। 16 जनवरी 1950 को हिंदू महासभा के वकील गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद की अदालत में मुकदमा दायर कर मूर्ति पूजा की इजाजत मांगी।
उस वक्त के सिविल जज एनएन चंद्रा ने पूजा की इजाजत दे दी, जिसके विरोध में अनीसुर रहमान नाम के शख्स ने अदालत में याचिका दाखिल कर दी। इस विवाद में मुसलमानों की यह पहली कानूनी पहल थी। दिसंबर 1950 में महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदू प्रार्थनाएं जारी रखने और बाबरी मस्जिद में राम मूर्ति को रखने के लिए मुकदमा दायर किया। मस्जिद को ढांचा नाम दिया गया और 17 दिसंबर 1959 को निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए मुकदमा दायर किया। 18 दिसंबर 1961 को यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। वक्त के पैमानों पर 18 दिसंबर 1961 की तारीख थी जब यूपी में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने बाबरी मस्जिद के मालिकाना हक के लिए मुकदमा दायर कर दिया था। इसके बाद विवाद कैसे अपने चरम पर पहुंच गया, देखिए इस रिपोर्ट में। साल 1984 को एक बार फिर राम मंदिर के लिए हिंदुत्व ने जोर मारा। मंदिर के लिए आवाज बुलंद होने लगी। विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने के साथ भव्य मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। विश्व हिंदू परिषद ने इसके लिए एक समिति का गठन भी किया। वीएचपी की मांग थी कि दोबारा इस जगह पर मंदिर बनाने के लिए जमीन वापस चाहिए। एक फरवरी 1986 को फैजाबाद जिला जज ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दी। पूजा के लिए मंदिर के ताले दोबारा खोले गए और नाराज मुस्लिमों ने इसके विरोध में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का गठन कर दिया। जून 1989 को भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर के लिए वीएचपी को औपचारिक समर्थन देना शुरू करके मंदिर आंदोलन को नया जीवन दे दिया, जिसके बाद 1 जुलाई सन 1989 को भगवान राम लला विराजमान नाम से कोर्ट में 5वां मुकदमा दाखिल किया गया। साल 1989 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विवादित स्थल के मुख्य द्वारों को खोल देना चाहिए और इस जगह को हमेशा के लिए हिंदुओं को दे देना चाहिए। 9 नवंबर साल 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की सरकार ने बाबरी मस्जिद के नजदीक मंदिर शिलान्यास की इजाजत दे दी, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने विवादित स्थल के नजदीक राम मंदिर की नींव रख दी। पहली बार 1990 में बाबरी मस्जिद ढांचे को विश्व हिंदू परिषद ने नुकसान पहुंचाया। तत्कालीन प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने विवाद को सुलझाने के काफी प्रयास किए, लेकिन विवादित स्थल पर बनी मस्जिद को नुकसान पहुंचने से मुसलमान नाराज हो चुके थे। भारत सरकार के आदेश के अनुसार इस जगह पर नए मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और मस्जिद को नुकसान पहुंचा तो मुसलमानों के विरोध ने सामुदायिक गुस्से का रूप ले लिया। राजीव गांधी के बाद राम मंदिर मुद्दा भाजपा ने लपक लिया। और सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा निकालने का ऐलान कर दिया। सितंबर 1990 को बीजेपी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। 1990 में रथ यात्रा पर निकले लाल कृष्ण आडवाणी को बिहार के समस्तीपुर में गिरफ्तार कर लिया गया। यात्रा के बाद देश में दंगे भड़क गए। आडवाणी की गिरफ्तारी से नाराज बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से समर्थन वापस खींच लिया। अक्टूबर 1991 को उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह सरकार ने बाबरी मस्जिद के आसपास की 2.77 एकड़ भूमि को अपने अधिकार में ले लिया। 1991 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। कोर्ट ने विवादित भूमि पर किसी भी प्रकार के स्थायी निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन 1992 के आते आते तस्वीर बदलनी शुरू हो चुकी थी। हर तरफ राम नाम की गूंज सुनाई देनी शुरू हो चुकी थी। जय श्री राम।
6 दिसंबर 1992 को बीजेपी, वीएचपी और शिवसेना समेत दूसरे हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिराने के लिए अयोध्या पहुंच गए। कार सेवकों का जत्था पूरे देश से अयोध्या कूच कर चुका था और हालात प्रशासन और सरकार के हाथ से बेकाबू होते जा रहे थे। कार सेवकों की भारी भीड़ के आगे पुलिस और पीएससी के जवान भी हिम्मत हार रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। तो आज की अयोध्या, आज का माहौल और आज की परिस्थितियां असल में पैदा कब हुई? साल 1992 का वो वक्त था जब पूरे देश में ऐसी आग लगाई गई जो आज तक सुलग रही है, जिसकी आग में इंसानियत, आपसी भाईचारा सब खत्म हो गया। एक दिन पहले तक किसी को नहीं पता था कि अयोध्या में क्या होने वाला है, लेकिन 6 दिसंबर को जो हुआ उसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। तारीख 6 दिसंबर साल 1992, दिन रविवार, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। अयोध्या जय श्री राम के नारों से गूंज रही थी और सैकड़ों साल पुराने विवादित ढांचे पर चोट करती ठक ठक की आवाजें हर तरफ सुनाई दे रही थी, जो 7 दिसंबर को खामोशी में तब्दील हो गई और आने वाली तबाही की दस्तक सुनाई देने लगी। जून 1992 में राम जन्मभूमि न्यास ने राज्य सरकार से गुजारिश की कि उन्हें 9 जुलाई को चतुर्मास मनाने और कार सेवा करने की इजाजत दी जाए। स्वामी सत्यानंदी, महंत नित्य गोपाल दास, परमहंस रामचंद्र दास और महंत अवैधनाथ कार सेवा की अगुवाई कर रहे थे और इन्होंने ही साधु संतों, भक्तों और कार सेवकों को देश भर से अयोध्या लाने का बीड़ा उठाया था। यूपी सरकार द्वारा अधिग्रहित 2.77 एकड़ जमीन पर एक चबूतरे के निर्माण को लेकर लाखों लोगों का जुलाई में अयोध्या आना शुरू हो चुका था। यूपी सरकार ने जिस जमीन का अधिग्रहण किया था वो विवादित स्थल के ठीक बगल में थी। हाई कोर्ट के बैन के बावजूद चबूतरे का निर्माण किया जाना था। सुरक्षा कर्मी कार सेवकों को रोकने में नाकाम थे, क्योंकि बल प्रयोग न करने के कड़े निर्देश सरकार ने जारी किए थे। जुलाई 1992 को पीवी नरसिंहा राव ने आरएसएस और बीएचपी से साधुओं द्वारा किए जा रहे निर्माण को रुकवाने को कहा, लेकिन किसी ने केंद्र सरकार की नहीं सुनी और आखिरकार नरसिम्हा सरकार को सीधे धार्मिक गुरुओं को बातचीत के लिए बुलाना पड़ा। 23 जुलाई 1992 को धार्मिक गुरु हवाई जहाज से दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे। आम सहमति बनी कि साधु 3 महीने तक निर्माण कार्य रोक देंगे और इसी बीच नरसिम्हा सरकार समस्या का समाधान निकालेगी। समय सीमा बगैर किसी नतीजे के खत्म हो गई। से 30 अक्टूबर 1992 को बीएचपी ने धर्म संसद का आह्वान किया और फैसला लिया गया कि कार सेवा फिर से 6 दिसंबर 1992 को शुरू की जाएगी। रविवार 6 दिसंबर 1992 तक तकरीबन 2 लाख कार सेवक महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और यूपी से अयोध्या पहुंच चुके थे। इस दिन से पहले तक बजरंग दल, बीएचपी या आरएसएस ने इतने बड़े पैमाने पर शक्ति प्रदर्शन नहीं किया था। सुबह 6 बजे पत्रकारों और कार सेवकों का काफिला विवादित ढांचे पर पहुंचा। आरएसएस कैडर के लोग हाथ में पट्टा बांधे वहां मौजूद थे। उन्होंने उस जगह को खाली करा लिया जहां चबूतरे पर कार सेवा की जानी थी। ये सब कोर्ट के आदेश के खिलाफ किया जा रहा था। प्लान था कि कार सेवक सरयू नदी से पानी और बालू लाकर चबूतरे को साफ करेंगे
और फिर वहीं पूजा अर्चना की जाएगी। सुबह 10 बजे बीजेपी नेता आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जो अपनी रथ यात्रा यूपी में खत्म कर अयोध्या पहुंचे थे, उस जगह को देखने आते हैं जहां कार सेवा की व्यवस्था की गई थी। सुबह 10:30 बजे बीजेपी, आरएसएस, बीएचपी और बजरंग दल के वरिष्ठ नेता 200 मीटर दूर राम कथा कुंज की छत पर बने मंच पर चले गए और दोपहर 3:00 विवादित ढांचा जमींदोज कर दिया गया। विवादित ढांचा ढह गया, लेकिन विवाद जस का तस है। केंद्र सरकार ने इस घटना की जांच के लिए लिब्रहान आयोग का गठन किया और 3 महीने में रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन सिर्फ एक आदमी वाले लिब्रहान आयोग ने 17 साल बाद अपनी रिपोर्ट 2010 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को सौंप सका। तो 1528 से 2018 तक अयोध्या ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बदला है और बहुत कुछ बदला जाना बाकी है। अनंत कथा के कई पड़ाव बाकी हैं, लेकिन अभी सियासी तस्वीर लगातार बदलती जा रही है। फिलहाल आज इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।